हेलो भाई, राम राम। मेरा नाम है प्रशांत चौधरी और ये खड़ी आपके सामने हुंडई ओरा एस CNG। भाई, इस गाड़ी के बारे में मैं डिलीवरी वीडियो भी डाल चुका हूँ, कई सारी वीडियो डाल चुका हूँ, बट आप में से बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आपने इसका जो है वॉक अराउंड और रिव्यू नहीं डाला कि अपने को एग्जैक्टली भाई इस गाड़ी में मिलता क्या क्या है। तो हाँ भाई, वो बात सही है, मैंने अब तक इसके बारे में रिव्यू नहीं किया। तो आज बेसिकली ये वीडियो होने वाली है हुंडई ओरा एस CNG में अपने को बेसिकली मिलता क्या क्या है, इन डेप्थ जो है डिटेल में बात करेंगे भाई, पूरा ए टू जेड आपको सब बताऊंगा, क्योंकि एक महीना हो गया मेरे को एक गाड़ी लिए, उस गाड़ी को जो है यूज़ करते हुए। तो ए टू जेड सारे रिव्यूज और फीचर्स के बारे में जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हुंडई ओरा एस CNG के। और भाई, ये आप देख सकते हो, ये गाड़ी मैंने अभी ली है एक महीना पहले, 5 जो है सितंबर को इसकी डिलीवरी ली थी, उसका व्लॉग मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। आप इसका भाई, मैं सबसे पहले आपको प्रोफाइल चारों तरफ से चेकआउट करा देता हूँ, आप इसकी प्रोफाइल चेकआउट करो। तो बेसिकली मेरे को जो पसंद आया गाड़ी में, इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और खास करके पीछे से, क्योंकि आप अगर पीछे से लुक देखोगे तो भाई बड़ा क्लासिक लगता है, खास करके जब ये लाइट्स रात में ऑन होती है। इसकी लाइट्स का भी पूरा रिस्पॉन्स मैं जो है उसकी वीडियो यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, वो भी जो है आप अपने चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो भाई, अब सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की। तो ये इस तरीके की भाई इसकी चाबी मिलती है अपने को, 3 बटन मिलते हैं, एक तो लॉक, अनलॉक में जो ऐसी साउंड करेगी 2 बार, और ये है जो बूट स्पेस, इसको होल्ड करके रखोगे तो बूट स्पेस खुल जाएगा, दिखाता हूँ आपको। तो ये देखो भाई, ये ऑटोमेटिक काफ़ी कूल चीज़ जो है बेसिकली ये लगती है। इसके अलावा वापस चलते हैं आगे। तो बेसिकली भाई, ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक। आप सबसे पहले आप हेडलाइट्स देखो भाई, हेडलाइट्स इस तरीके के हेडलाइंस हैं यहाँ पर, और जो है यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। इसके अलावा नीचे जो आपको फोग लैंप मिल जाएगा भाई, जिनकी थ्रो ओवरऑल हर एक लाइट की थ्रो काफ़ी बढ़िया है, उसके बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो हमने बना रखी है। इसके अलावा भाई, आप ये देखो इसका ग्राउंड क्लियरेंस देखो, ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में भाई जो है बहुत लोग पूछते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है इस गाड़ी का, एंड इनफ है, एक सेडान के हिसाब से इनफ है। सामने देखो भाई, आपको ये हुंडई की यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगी, और कुछ इस तरीके का फ्रंट का लुक मिलेगा। अब भाई, इसमें खास चीज़ क्या है मैं आपको बताऊँ, मेन भाई ये DRL से, क्योंकि ये DRL जब जलते हैं ना, तो देखो अभी जलवा के दिखाता हूँ मैं इसको। ये देखो भाई, DRL बहुत एग्रेसिव और भाई बहुत बढ़िया लगते हैं, मतलब काफ़ी लग्जरी से फील आएगी इन DRL को देख के। और लाइट्स ऑन करना, लाइट्स भी दिखा देता हूँ क्विकली जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में। तो ये लाइट्स है भाई, लाइट्स का रिस्पांस आप देख सकते हो, नीचे जो है फोग लैंप का आप रिस्पांस देख सकते हो। ये कुछ भाई इस तरीके के जो है आपको गाड़ी में इंडिकेटर मिल जाएंगे, देखिए। तो बेसिकली ये है इस गाड़ी का लुक। तो ये चीज़ भाई सामने की बहुत अट्रैक्टिव करती है बेसिकली। इसके बाद में चलते हैं साइड प्रोफाइल पे। सबसे पहले टायर्स देख लो, तो इसमें भाई आपको मिलते हैं सीएट के 165/70R 14 इंच के जो है टायर्स मिलते हैं विद स्टील रिम, और ये जो है आपको व्हील कैप यहाँ पर मिल जाती है। साइड में भी भाई जो है आपको इंडिकेटर दिखने को मिलता है। इसके अलावा साइड में चलोगे तो आपको जो है बॉडी कलर आपको यहाँ पे जो है ORVM दिए गए हैं, ए और बी कलर जो है गाड़ी के कलर में ही आपको सेम यहाँ पर मिलेंगे। इसके अलावा आप साइड लुक चेकआउट करो, थोड़ी गंदी हो रखी है गाड़ी, नीचे से आपको कुछ इस तरीके का ये लेआउट मिलता है भाई। बॉडी कलर जो है इसमें डोर हैंडल अपने को मिलते हैं, और साइड प्रोफाइल भाई गाड़ी का कुछ इस तरीके का है। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ। तो भाई, रियर लुक चेकआउट करो भाई, मेरा फेवरेट है इस गाड़ी का। आप लोग नीचे कमेंट करके बताना आपको ये गाड़ी रियर से अच्छी लगती है ज़्यादा या फ्रंट से लगती है, क्या चीज़ आपको इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा पसंद है। CNG है भाई, तो CNG का अपने को यहाँ पे लोगो मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना अपने को यहाँ पर नहीं मिलता है, ये अपने को यहाँ पर हैजार्ड्स लाइट्स मिल जाएगी। इसके अलावा आप रियर लुक अगर इसका चेकआउट करो तो भाई इस तरीके का है, नीचे जो है आपको दो दो यहाँ पर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको नंबर प्लेट की जगह मिलती है, हालाँकि भाई एक महीना होने को आया, मेरा नंबर तो अब तक आया नहीं। इसमें जो है लाइट है, ये जो है क्रोम ट्रीटमेंट भाई, ये बहुत बढ़िया लगता है, एंड इसके ऊपर आपको ओरा की बैजिंग और हुंडई की बैजिंग यहाँ पर मिल जाएगी। ये कर्व पोर्शन दोस्तों काफ़ी बढ़िया वैसे दिखने में लगता है। नीचे आपको ब्लैक स्किड मिलेगी, एंड कुछ इस तरीके का इसका नीचे से लुक है, यहाँ पर जो है आपको टोइंग करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्विकली भाई इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस की वीडियो मैं बना चुका हूँ, दुनिया भर का सामान भाई इसमें भर के देख लिया, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये जो है आपको यहाँ पर CNG टैंक मिलता है, और भाई इसमें CNG आप पूछोगे, बहुत लोग पूछते हैं कितनी आ जाती है, प्रेशर अच्छा हो तो भाई 8.4 जो है लीटर तक आ जाती है, और अगर और ऊपर हो तो लगभग 8.6-8 तक भी आ जाती है, अगर प्रेशर 230 अगर मिल जाए अपने को कहीं तो। इसके अलावा भाई नीचे भाई अपने को स्पेयर व्हील मिल जाता है, एंड जैक वगैरह चीज़ें मिल जाती है। तो ये था भाई बूट स्पेस, 402 लीटर का बूट स्पेस है, तो इनफ है, उसके बारे में अलग से वीडियो बना रखी है। बाकी हाँ भाई, एक चीज़ बहुत लोग कहते हैं कि ये जो है ना, ये मटेरियल ये बहुत हल्का है, तो ये जो चीज़ है आपको दिखने में हल्की फील जरूर होगी, बट अगर ये फील अगर हल्की ना होती आप मान के चलो, तो ये जो फीचर है इसमें ऑटोमेटिक खुलने वाला, ये इतने आसानी से नहीं हो पाता। और एक चीज़ और पूछते हैं भाई लोग कि स्पॉइलर कहाँ गया, तो स्पॉइलर मैं बता दूं भाई, हुंडई बंद कर चुकी है ओरा के लिए, क्योंकि स्पॉइलर होने के बाद में यहाँ पर कोई मैन्युअली खोलने के लिए हुंडई ओरा में ऐसी जगह नहीं दी गई है बूट स्पेस के लिए, प्लस वो भारी भी होता है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है इसको ओपन करने में। और भाई इसके अलावा नीचे आप देखोगे आपको 2 पार्किंग सेंसर मिलते हैं गाड़ी में, 4 नहीं मिलते हैं, बट एक चीज़ है
कि अगर कोई इंसान यहाँ भी खड़ा होगा, इस साइड में भी खड़ा होगा, तो भी जो है पार्किंग सेंसर आपको बता देंगे। तो ये जो है भाई फ्यूल लीड है, यहाँ पर जो है आपको पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, और ये जो है आपको सीएनजी भराने का यहाँ पर वॉल्व मिल जाती है, सीधा सीएनजी इसमें यहीं से आ जाती है। इसके अलावा आप साइड लुक चेकआउट कर लो, ये जो मिरर है भाई ऑटो फोल्डेबल मिरर जो है अपने को होंडा की तरफ से नहीं मिलते हैं, अपने को मैनुअली फोल्ड अनफोल्ड करने पड़ेंगे। तो अब भाई क्विकली चलते हैं गाड़ी के अंदर में, और गाड़ी के अंदर से ए टू जेड सारी डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि बेसिकली गाड़ी है कैसी और क्या क्या अपने को उसमें फीचर्स मिलते हैं। तो चलो भाई ये गाड़ी का लुक सीट कर लेता हूँ पीछे। ये बेसिकली आप भाई जो है गाड़ी का लुक पहले चेकआउट करो, किस तरीके का इंटीरियर है और किस तरीके का अपने को गाड़ी में लुक मिलता है। तो ये देखो भाई कुछ इस तरीके का अपने को गाड़ी में इंटीरियर मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं डोर की भाई, तो डोर की क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया लगेगी। अब आवाज़ सुनने जान से, ये देखो बिल्कुल वो बजने वाली फीलिंग आती है ना, वो हल्के वाली, देखो कितने आराम से बंद करा और गेट जो है बंद हो गया। इसके अलावा भाई अंदर बैठ जाते हैं क्योंकि भाई धूप हो रही है बहुत ज़्यादा। और भाई ये देखो आपको यहाँ पर ये एक बेज कलर मिलेगा, यहाँ पर ब्लैक कलर मिलेगा, कुछ इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर बोतल एंड कप आपको होल्डर मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाएंगे सारे। एंड एक नेगेटिव चीज़ ये है कि भाई इसमें इल्यूमिनेटिंग लाइट्स नहीं है, जो मैंने नाइट लाइट वाली वीडियो में भी बताई थी। पहले बात करते हैं लुक की, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से अनलॉक, और कुछ इस तरीके का जो है आपको आईटेन न्यू तरीके का आपको जो है लेआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पर भाई मैं आपको बता दूँ, ये जो है आपको सीएनजी मीटर मिलता है, ये जो है आपको पेट्रोल मीटर मिलता है। इसके अलावा बीच में आप जो है किलोमीटर देख पा रहे होंगे ट्रिप, एंड इसके नीचे टोटल किलोमीटर गाड़ी के अब तक जितने भी हुए हैं वो। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर आपको ऑन एन एवरेज मिल जाएगी आपकी गाड़ी पर आवर कितना चल रही है, एंड उसके अलावा जो है आपको टोटल किलोमीटर ट्रिप, और बस यही चीज़ मिलती है आपको, ज्यादा चीज़ में नहीं मिलती। चीज़ जो आपको बैटरी वगैरह के, फ्यूल के और सीट बेल्ट के और हैंड ब्रेक जैसे जो है आपको सारे साइन मिल जाते हैं। इधर आरपीएम मीटर और इधर जो है स्पीडोमीटर अपने को हुंडई वगैरह में मिल जाता है। अब भाई बात करें स्टेयरिंग की, तो स्टेयरिंग ऑब्वियसली भाई टिल्टी मिलेगा, टेलीस्कोपिक तो अपने को जो है सेगमेंट में मिलता ही नहीं है। स्टेयरिंग बहुत बढ़िया है भाई, खास करके इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया है। जब मैं इसका ओनरशिप रिव्यू दूंगा ना, अभी एक महीना हो गया मेरे को सारी चीज़ें पता चल गई है, तो जब मैं इसका रिव्यू दूंगा तब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, बाकी इसका एक ड्राइव रिव्यू भी लेके आएंगे। तो स्टेयरिंग भाई काफ़ी बढ़िया है, स्मूथ है और काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग आपको दिखेगी। स्टेयरिंग पे आपको कंट्रोल भी मिल जाएंगे, जो बेसिक कंट्रोल्स होते हैं कॉल उठाने के, काटने के, म्यूजिक को बंद करने के, मोड्स वगैरह चेंज करने के, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। ये भाई जो अपना हॉर्न हो गया। इसके अलावा यहाँ पर साइड में देखो भाई हेडलाइट लेवलर आपको, ये देखो हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ मिल गया। इसके अलावा ये पे पेट्रोल और सीएनजी स्विच। इसके अलावा इंफोटेनमेंट देख लो भाई, इंफोटेनमेंट डिस्प्ले इस तरीके की है, ये जो है नॉर्मल अपने को मिलती है, इसमें ब्लूटूथ वगैरह चल जाती है, और ये भी मैंने नहीं लगाया, एक महीना हो गया, तो आज इसको भाई हटा देते हैं, तो इसके भी मुहूर्त अपने ने कर लिया। ये बटन से भाई काफी प्रीमियम आपको फील देंगे, आगे को अपग्रेड कराने अपग्रेड करा सकते हो, मैं भी कराऊंगा, बट अभी नहीं, कुछ 5-6 महीने बाद में जो है इसको अपग्रेड कराएंगे। इसके अलावा ये जो ट्रीटमेंट है ना भाई, ये बड़ा प्यारा लगता है, मतलब सही में काफी प्यारा लुक जो है गाड़ी में देता है, काफी लग्जरी सा फील कराता है। प्लस ये जो इसका इंटीरियर के जो है एसी वेंट्स है, यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर देख लो ये एसी वेंट्स हैं, एंड इनको अगर आपको बंद करना हो तो आप यूं कर दो, सीधा टर्न करते ही बंद हो जाएंगे, एंड ऐसे जो है चालू हो जाएंगे। उसके बाद में आपके जो बाकी के एसी हैं, बाकी के वेंट्स हैं, उससे ज्यादा कूलिंग आपको मिलेगी। उसके नीचे आप देखोगे भाई, ये आपको इस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा, काफी बढ़िया फिट एंड फिनिश मिलती है हुंडई की, जैसे एज यूजुअल है। और ये जो है आपको यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, यहाँ पर यूएसबी चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भाई नीचे रखा है, यहाँ सामान रखने के लिए जगह, ये जो है मैनुअल गियर हो गए। उसके अलावा भाई ये यहाँ पर दोनों परफ्यूम रख रखे हैं। एक चीज़ है भाई, अगर आपको गाड़ी में परफ्यूम रखना है ना, तो या तो कोई बढ़िया सा परफ्यूम रखो, ये कंपनी के साथ मिलता तो ऐसे ही है, इसको चलाने के लिए ना एसी तेज करके फिर यूँ सामने करना पड़ता है, तब जाके तो कुछ खुशबू सी आती है थोड़ी बहुत, तो ये चीज़ है भाई, मैं भी अगली बार दूसरा ही लूंगा। तो ये था भाई। इसके अलावा भाई ये स्पेस बहुत बढ़िया है, मतलब मुझे स्टार्टिंग में सनग्लास होल्डर्स की जरूरत थी, क्योंकि भाई मैं सनग्लासेस ना बहुत यूज़ करता हूँ, बट वो चीज़ नहीं थी और उसकी कमी मेरे को महसूस नहीं होती, क्योंकि यहाँ दूध की थैली रख लो, कुछ भी रख लो, सारी चीज़ आ जाती है भाई। ग्लो बॉक्स काफ़ी बड़ा है, एंड कूल ग्लो बॉक्स मिलता है, ये बड़ी बात है भाई इसमें। बाकी कुछ इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर गेट पे दोनों साइड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऊपर देखोगे आपको यहाँ पर मिरर नहीं मिलेगा, और इस साइड भी नहीं मिलेगा, इस साइड देखते कम से कम, ये जो है आपको यहाँ पर एक लाइट मिल जाएगी, ये माइक मिल जाएगा, एक लाइट भाई पीछे भी है, एंड ये मिरर है, तो इसको मैनुअली आप डे नाइट मिरर एडजस्ट कर सकते हो। तो ये थे भाई आगे की सारी चीजें। अगली स्पेस देख लो, सौरभ तूने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है? हाँ भाई कर ली है ना, प्रॉपर अपने स्पेस दिखा देते हैं, लेग के पास में कितना बचा है, इस साइड से भी खूब स्पेस बचा है, तो इतने पे तो ऐसे चलाता है भाई, ये थोड़ा सा और कंफर्टेबली बैठा है नॉर्मल गाड़ी से, ऐसे ही चलाता हूं, मतलब लॉन्ग रूट पे तो बढ़िया, बिल्कुल सही, लॉन्ग रूट के हिसाब से कंफर्टेबल हो गया तू, ठीक है। तो भाई ये है स्पेस, अब इसको मैं बंद करके आपको जो है पीछे का दिखा देता हूँ।
तो पीछे भाई ये जो है अपने पास स्पेस बचता है और यहाँ अपन जो है अब बैठ जाते हैं और गेट कर लिया भाई बंद। अब देखो भाई स्पेस, मैंने पैर खड़ा रखे हैं आगे और ये देखो कितना स्पेस है, ये 5 फिंगर से भी ज्यादा, 6 फिंगर के करीब स्पेस बचा हुआ है। प्लस भाई मैं हाथ रख के यूं आराम से बैठा हूँ और इसके अलावा भाई मैं यूं पैर रख के और ये देखो ये बैठ गया भाई आराम से। तो कितने भी कंफर्टेबल आप लॉन्ग रूट पे चले जाओ आपको कोई भी दिक्कत इस गाड़ी में नहीं आएगी कंफर्ट के हिसाब से। और 3 लोग भी भाई बैठ जाएंगे, मतलब इतना है कि बाकी नॉर्मल हैचबैक या कोई गाड़ी होगी उससे तो कंफर्टेबली इंसान उसमें बैठ जाएगा। प्लस भाई ये जो हैंडरेस्ट है ये हैंडरेस्ट बहुत बढ़िया काम करती है। एंड जो भाई सीट क्वालिटी है वो सीट्स की क्वालिटी भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया आपको हुंडई ओरा में मिलती है। बकेट सीट है तो ये चीज़ बहुत कंफर्ट देती है, खास करके जो बैक में भी आपको ऐसा लगेगा लंबर सपोर्ट की तरह मिलेगा। यहाँ पर आप लोग देखोगे इस तरीके का आपको ट्रीटमेंट मिलता है, नॉर्मल लॉक अनलॉक एंड ये जो है आपको मिरर का यहाँ पर अप डाउन ऑप्शन मिल जाएगा, नीचे बोतल होल्डर मिल जाएगा, स्पीकर आपको मिल जाएंगे और ये जो है आपको यहाँ पर तीनों ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं। ड्राइवर साइड ये जो है ग्रैब हैंडल आपको नहीं मिलता है। स्पेस भाई मैंने आपको दिखा दिया, काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, थोड़ा सा आप यहाँ पर सामान वगैरह रख सकते हो। इसके अलावा सीट्स भाई बहुत कंफर्टेबल है, आगे को 5 लोगों को बैठ के भी इसमें वीडियो बना देंगे। अगर आप कहोगे कि 5 लोगों को बैठ के दिखाओ कैसा स्पेस है तो उस चीज़ के ऊपर ही वीडियो लेके आ जाएंगे, आप कमेंट कर देना। और भाई ये जो है पीछे का हेडरेस्ट है, बहुत काम की चीज़ है भाई ये, मतलब जिस गाड़ी में नहीं होती ना पीछे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि पीछे होने बहुत ज़रूरी है और इसमें आगे नहीं है, तो ये चीज़ एक डिसएडवांटेज आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो मेरे को पर्सनली फील हुई है, वो ये हुई है कि ये कुछ इस तरीके की सीट्स हैं ना भाई, आप गाड़ी को चलाओगे तो आपका सर ऑटोमेटिकली इस पर लगा ही रहेगा, या थोड़ा लॉन्ग रूट पर चलाओगे तो बहुत कंफर्टेबली आपको रहेगा। तो ये मतलब आपको एडजस्टेबल का ही एक तरीके से काम करेगी, इतना बढ़िया इनकी सपोर्ट मिलती है। ये चीज़ भाई मेरे को पर्सनली लगती है, शायद मेरे हाइट के हिसाब से हो या किसी और वजह से हो सकता है मेरे को लगती हो, आपको भी लगती होगी तो बता देना। ये एसी वेंट मिल जाते हैं भाई, एसी गाड़ी का बहुत खतरनाक है, एसी भाई बहुत चिल्ड करता है। ये जो है 12 वोल्ट का भाई चार्जिंग सॉकेट अपने को यहाँ मिल गया, ये अपने ने लगा रखा था जब लेके आया था, इसकी भी वीडियो में दिखाया था मैंने आपको। इसके अलावा ये भाई अपना इंटीरियर हो गया, पीछे जो है ये आपको मिल जाएगा, डिफोगर भी मिल जाते हैं। थी सारी डिटेल्स इस गाड़ी के बारे में, और इसके अलावा सस्पेंशन वगैरह माइलेज वगैरह उन सब की वीडियोस मैं अलग लेके आऊँगा चैनल पर, बहुत सारी वीडियोस आपने देख भी ली होगी। एंड मेरे को पर्सनली कैसा फील होता है इस गाड़ी के बारे में एंड कैसी लगती है ये गाड़ी 1 महीना चलाने के बाद में, वो एक्सपीरियंस भी जो है मैं आप लोगों के सामने लेके आ जाऊँगा। फिलहाल अगर आपको परफॉर्मेंस टेस्ट देखना हो तो मैंने जो इससे लॉन्ग ट्रिप करी है 450 किलोमीटर की, 350 किलोमीटर की, तो आप उसको देख सकते हो, पता चल जाएगा कि बेसिकली गाड़ी जो है आपको कैसी परफॉर्मेंस यहाँ पर देती है। और बेसिकली ये सारी चीज़ें थी जो आपको इस गाड़ी में मिलती है, सारे फीचर्स आपको उस गाड़ी में मिलते हैं। बाकी हो सकता है भाई को एक आध चीज़ छूट गई हो, तो अगर एक आध चीज़ छूट गई हो तो मुझे कमेंट करके आप बता देना। उम्मीद है भाई वीडियो बढ़िया लगी होगी, वीडियो बढ़िया लगी होगी तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए यार ऐसी ऐसी वीडियोज़ जो है बनाते रहते हैं हम, और जो आप कहते हो उस वीडियोज़ को हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं फिर इसी तरीके किसी और वीडियो में, धन्यवाद देखने के लिए, राम राम।